जरूर। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से कुमकुम उपाध्याय। मेरे हस्बैंड को 9 mm का गॉल ब्लैडर स्टोन है, कृपा करके इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो कुमकुम की जी, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अभी मैं योगग्राम में था और वहाँ पर एक भाई डॉक्टर यश जी थे, डॉक्टर यश, उन्होंने बताया स्वामी जी मेरे को ये जो गॉल स्टोन हो गया, 3 गॉल स्टोन थे बड़े बड़े, तो आपने बोला था कि संकल्प पूर्वक कपालभाति करो कि मेरा गॉल स्टोन डिजोल्व हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और पत्थर चटा कुलथ की दाल आपने बताई थी, अश्मरी रस और अश्मरी पात भी हम देते हैं, और एक लिथोम, ये बहुत कम मैंने बोला हुआ है, लिथोम का सेवन करना और कपाल भाती जरूर करें, घी थोड़े दिन के लिए बंद कर दे, ये कोलेस्ट्रॉल के ही क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं गॉलस्टोन के रूप में, वो हट जाए किडनी में और बाकी जगह जो पेनक्रियाज में, गले आदि में, कहीं पर जो ब्रेन में, हार्ट में जो पत्थर जैसे जमा होते हैं, वो कैल्सिफिकेशन होता है, उसका पत्थर होता है कैल्शियम से बनने वाला, ये गॉलस्टोन ऐसा होता है। तो कुमकुम तो ठीक हो जाएंगे, औरों के लिए भी लिथोम बता दिए, और कपाल भाती करते रहेंगे और गर्म पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, गोखरू का भी पानी इसमें फायदा करता है, कुलथ का भी पानी फायदा करता है, मूली का रस फायदा, और मूली का ऐसे ही सलाद के रूप में सेवन कर लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल मुंबई से है और ममता जी ने अपना सवाल भेजा है, सुनते हैं। जी मैं बॉम्बे से ममता सुतार बोल रही हूँ, मेरे को एड़ी के नीचे से बहुत पेन होता है, तो कोई उपाय बताइए। एड़ी से नीचे पेन होता है स्वामी जी, तो अब जो ममता जी से लेकर के दूसरे जो लोग कुछ सवाल भेजते हैं, तो आप बता दीजिए इन्होंने क्या पूछा। इन्होंने कहा है कि स्पष्ट होनी चाहिए, उस समय टीवी की आवाज बंद कर दे और कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जी स्वामी जी, ममता जी का सवाल अच्छे से रिकॉर्ड करके भेजा करें। नहीं बिल्कुल, टीवी देखते देखते ही और इधर टीवी की आवाज भी रहती है और दिक्कत हो जाती है, तो आप प्रश्न बता दीजिए। तो उनका सवाल यह है कि उनकी एड़ी में दर्द होता है, पैर में एड़ी के नीचे दर्द है। हाँ, एड़ी का दर्द के लिए तो जो हमारा हलूराम सिंगे लगाता ना, जैसे सिंगे लगा रखी इस बेटी के पीछे सिंगे लगा रहे जो हमारे दूसरे गुरु हैं, हाँ तो ये जो है पीछे श्रृंगी लगाते हैं, पीठ पे भी श्रृंगी लगाते हैं, एड़ी का दर्द जो है ना, तेरा था ना, लीच भी लगाने से, ये प्रियंका इधर साथ ही बैठी हुई, लीच लगाने से, श्रृंगी लगाने से एड़ी का दर्द दूर हो जाता है। इसमें गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी भी फायदा करती है, ये बात के कारण से होता है। हल्दी मेथी सोंठ घर में भी ले सकते हैं, और कपार भाती के साथ साथ ये जो अभ्यास है इसको भी कर ले। तो ममता जी का तो उत्तर दे दिया, अगला प्रश्न। जी स्वामी जी, अगला सवाल ले और लेते हैं। 9350593505 कितना सरल सा नंबर है, इसके ऊपर वीडियो बना करके भेज दो 15 सेकंड, और अपना सवाल जरा क्लियर आप दें ताकि स्वामी जी आपका सवाल समझ सके और सुन सके। राजस्थान से यशी का सवाल है, सुनते हैं। स्वामी जी, मेरी आँख पर ये वाइट दाग हो रहे हैं, आँख पर और पेट पर, बहुत इलाज कराया पर कुछ नहीं हो रहा, जगह करके उपाय बताएं। तो आँख के ऊपर यशी को सफेद दाग, किसी को वाइट पैच होता है और किसी को, दोनों का बता देता हूँ। आँख के जी किसी को आँख के नीचे जो है कोलेस्ट्रॉल के कारण से ऐसे अलग ढंग का, एक गांठ भी नहीं कह सकते उसको, चमड़ी अलग ढंग से उभर जाती है, तो उसके लिए तो इसके अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी ले सकते या अर्जुन की छाल दालचीनी ले सकते। ऊपर जो है मिलिनोग्रिट वटी और मिलिनोग्रिट लेप बताते हैं, उसको लगा करके धूप में बैठ जाए। ऐसे भी बाकुची को 7 दिन तक गौमूत्र में भिगो के रखे, हर दिन गौमूत्र बदलते रहे, और उस गौमूत्र को भी फिर जो है एलोवेरा में लगाना, नहीं तो फोला बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, वो फोला फूट जाता है 3 दिन के अंदर करीब, फिर नेचुरल कलर अंदर से आ जाता है। ऐसे उस बाकुची को खिलाते भी हमने, पहले हमने कायाकल्प पट्टी 20 ग्राम, बाकुची चूर्ण 100 ग्राम और गिलोय सब 10 ग्राम मिला करके खिलाए, उससे भी हमने सफ़ेद दाग मिटाया। अब तो मिलिनोग्रिट वटी दे देते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, और ये मिलिनोग्रिट लेप जो है अभी आप ऑर्डर में से मंगवा सकते हैं, बहुत जल्दी हम पूरे देश में मिलिनोग्रिट लेप जो है उपलब्ध करवा देंगे। ये बड़ा अप्रतिम है सफ़ेद दाग के लिए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जी स्वामी जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर करें, दूध के साथ नमक न खाएं, वृद्धा आहार ना लें,
दूध के साथ नमक का सेवन करना, दूध के साथ खट्टे फ्रूट्स का सेवन करना, रात को दही छाछ का सेवन करना, ये वृद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इससे बचा करें, ऋत भूक हित भूक मित भूक हुआ करें। और खाने का ऑर्डर ये होना चाहिए कि खाने में पहले सलाद और फ्रूट्स और बाद में पका हुआ और मिष्ठान आदि लेना चाहिए। और थोड़े दिनों तक चीनी, मैदा और जितना भी जंक फूड और ये सब प्रिजर्व फूड है, इसको डब्बा बंद खाने को नहीं खाना चाहिए। जी, स्वामी जी, प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल जो स्वामी जी है वो हमारे पड़ोसी देश से आया है, यानी कि नेपाल से है, और यहाँ पर सवाल पूछा है नवीन ने, सुनते हैं। ओम बाबा जी, मैं नेपाल से बात कर रहा हूँ। मेरे को 10 साल से ब्रेन में सिस्ट बताया गया है, पानी वाला फोका बताया गया है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका ठीक का निवारण का इलाज बताइएगा। तो नवीन जी, मैं दोनों का ही बता देता हूँ। किसी को ब्रेन में सिस्ट हो जाता है और किसी को फिट पड़ता है। फिट पड़ने के पीछे सिस्ट भी कारण होता है, और कई बार बिना सिस्ट के भी फिट पड़ता है। तो मैं सिस्ट और फिट दोनों का उपाय बता देता हूँ। ब्रेन सिस्ट के लिए वही है, ये सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, दो दो गोली। और जल्दी ठीक करना है तो चार चार गोली लौकी के जूस से खा लें। खाने के बाद काचनार, वृद्धिवादिका, करक्यूमिन, दो दो गोली, वो भी सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से ले लें तो गर्मी भी नहीं होगी। फिट पड़ते हैं तो साथ में मेधावटी और मेमोरी ग्रिड में ले ले और मेधा पाथ ऐसे पानी पी लिया करें, फिट भी 100% ठीक हो जाएंगे। तो नवीन जी के साथ हमने सिस्ट और फिट दोनों का ही उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। सवालों का सिलसिला तो रखते हैं कि सिस्ट तो ब्रेन की ठीक नहीं होगी, फिट तो ठीक होंगे ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।